व्यास जी ने कहा, मैत्रेय जी, मैंने आपके यहाँ अति छेद और अति वाद का दर्शन किया है, अर्थात आपकी जो स्थिति है, वह असाधारण कर्म के बिना प्राप्त होने वाली नहीं है, किंतु आपको वह सहज ही प्राप्त दिखाई देती है। यही जानकर मुझे विस्मय युक्त हंसी आई है। शास्त्र विधि के अनुसार दिया हुआ थोड़ा भी दान महान फल देने वाला होता है। आपने ईर्ष्या रहित हृदय से भूखे प्यासे प्राणियों को दान दिया है। मैं भूखा और प्यासा था, ऐसी स्थिति में मुझे अन्न देकर आपने तृप्त किया। इस पुण्य के प्रभाव से आपने महान यज्ञों द्वारा प्राप्त होने वाले बड़े-बड़े लोकों पर विजय पाई है। अतः मैं आपके पवित्र दान से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपका बल पुण्य का ही बल है और आपका दर्शन भी पुण्य का ही दर्शन है। इस दान रूप पुण्य के प्रभाव से ही आपके शरीर से पवित्र गंध निकल रही है। तात, दान करना तीर्थ स्नान और वैदिक व्रत की पूर्ति से भी बढ़कर है। जितने पवित्र कर्म हैं, उन सब में दान ही सबसे बढ़कर पवित्र और कल्याणकारी है। आप जिन जिन वेदोक्त उत्तम कर्मों की प्रशंसा करते हैं, उन सब में दान श्रेष्ठ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दाताओं ने जो उत्तम मार्ग बता दिया है, उसी से मनीषी पुरुष चलते हैं। दान करने वाले प्राण दाता समझे जाते हैं, उन्हीं में धर्म प्रतिष्ठित है। जैसे वेदों का स्वाध्याय, इंद्रियों का संयम और सर्वस्व का त्याग उत्तम है, उसी प्रकार दान भी इस संसार में अत्यंत उत्तम माना गया है। महामते, आपको इस दान के कारण उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। बुद्धिमान मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है। यह बात हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। आप जैसे लोग धन पाते हैं, तो उससे दान और यज्ञ करके सुखी होते हैं। किंतु जो विषय सुखों में आसक्त हैं, वे सुख से दुख में पड़ते हैं, और जो तपस्या आदि के द्वारा दुख उठाते हैं, उन्हें दुख से ही सुख की प्राप्ति होती देखी जाती है। इस जगत में विद्वानों ने मनुष्यों के आचरण तीन प्रकार के बतलाए हैं। किसी में पुण्य होता है, किसी में पाप होता है और किसी में दोनों का अभाव रहता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का आचरण न पुण्यमय माना जाता है, न पापमय। उनके कर्म में दोनों का ही अभाव रहता है। जो यज्ञ, दान और तपस्या में प्रवृत्त रहते हैं, वे पुण्य कर्म करने वाले हैं। जो प्राणियों से द्रोह करते हैं, वे पापाचारी समझे जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन चुराते हैं, वे दुख को प्राप्त होते और नरक में पड़ते हैं। मैत्रेय ने कहा, मुने, आपने दान के संबंध में जो बातें बताई हैं, वे दोष रहित और निर्मल हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आपने विद्या और तपस्या से अपने अंतःकरण को पवित्र बना लिया है। आप शुद्ध चित्त हैं, इसलिए आज आपके समागम से मेरे लिए महान लाभ पहुंचा है। जब मैं बारंबार बुद्धि से विचार करके देखता हूं, तो आप अत्यंत समृद्ध तपस्वी जान पड़ते हैं। आपके दर्शन से मेरा अभ्युदय होगा। आपने यहां तक आने का कष्ट किया, इसे मैं आपकी कृपा समझता हूं, तथा अपने स्वाभाविक कर्म को भी इसमें कारण मानता हूँ। ब्रह्मणत्व के तीन कारण माने गए हैं, तपस्या, शास्त्र ज्ञान और विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म। जो इन तीन गुणों से युक्त है, वही सच्चा ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण के तृप्त होने पर देवता और पितर भी तृप्त हो जाते हैं। विद्वानों के लिए ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कोई मान्य नहीं है। ब्राह्मण न हो तो यह सारा जगत अज्ञान अंधकार से आच्छन्न हो जाए, किसी को कुछ सूझ न पड़े,
तथा चारों वर्णों की स्थिति, धर्म अधर्म और सत्य असत्य कुछ भी ना रह जाए। जैसे मनुष्य उत्तम खेत में बीज बोने पर उसका फल पाता है, उसी प्रकार विद्वान ब्राह्मण को दान देकर दाता पुरुष उत्तम फल का उपभोग करता है। यदि विद्या और सदाचार से संपन्न ब्राह्मण दान स्वीकार न करे, तो धनवानों का धन ही व्यर्थ हो जाए। मूर्ख मनुष्य यदि किसी का अन्न खाता है, तो वह उस अन्न को नष्ट करता है। इसी प्रकार वह अन्न भी उस मूर्ख को नष्ट कर डालता है। जो सुपात्र होने के कारण उस अन्न की रक्षा करता है, उसकी भी वह अन्न रक्षा करता है। जो मूर्ख दान के फल का हनन करता है, वह स्वयं भी मारा जाता है। विद्वान ब्राह्मण यदि अन्न ग्रहण करता है, तो वह उस अन्न का स्वामी होता है, अर्थात उसको पचाने की शक्ति रखता है, तथा वह ईश्वर होने के कारण दाता के लिए उसके दान के अनुरूप उत्तम फल उत्पन्न करता है। यदि इतर मनुष्य किसी का अन्न ग्रहण करते हैं, तो वे दाता की संतान समझे जाते हैं। अतः अयोग्य व्यक्ति को दान लेने से इस सूक्ष्म दोष की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे किसी का दान नहीं लेना चाहिए। दान देने वालों को जो पुण्य होता है, वही पुण्य दान लेने वाले योग्य अधिकारी को भी मिलता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उपकारक होते हैं। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, प्रतिग्रहिता के बिना दाता का दान सफल नहीं हो सकता, ऐसा ऋषियों का कथन है। जहां विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं, वहीं दिए हुए दान का फल इह लोक और परलोक में भी मिलता है। जो ब्राह्मण विशुद्ध कुल में उत्पन्न तपस्या में लगे रहने वाले दाता तथा अध्ययन संपन्न हैं, वे ही सदा पूज्य माने गए हैं। ऐसे सत्पुरुषों ने जिस मार्ग का निर्माण किया है, उससे चलाने वाले को कभी मोह नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैत्रेय के इस प्रकार कहने पर भगवान वेद व्यास बोले, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी बातों का ज्ञान रखते हैं। आपको इस तरह की बुद्धि भी सौभाग्य से ही प्राप्त हुई है। संसार के लोग उत्तम गुण वाले पुरुषों की ही अधिक प्रशंसा करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि रूप, अवस्था और संपत्ति का अभिमान आपके मन पर तनिक भी प्रभाव नहीं डालते। इससे आप अपने ऊपर देवताओं का अनुग्रह समझिए। अस्तु, अब मैं दान से भी उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। इस जगत में जितने शास्त्र और जो-जो प्रवृत्तियाँ हैं, वे सब वेद के ही आधार पर क्रमशः प्रचलित हुई हैं। मैंने सुना है कि मनुष्य तप और विद्या से ही महान पद को प्राप्त होता है, तथा तप के ही प्रभाव से वह अपने पापों का नाश करता है। पुरुष जिस-जिस अभिलाषा की सिद्धि के लिए तपस्या में प्रवृत्त होता है, वह सब उसे तप और विद्या से प्राप्त हो जाती है, जिससे संयोग होना, जिसको पराजित करना, जिसे पाना और जिसे टालना कठिन है, वह सब तपस्या से साध्य हो जाता है, क्योंकि तपस्या का बल सबसे बड़ा है। शराबी, चोर, गर्भ हत्यारा और गुरु की स्त्री से व्यभिचार करने वाला पापी भी तपस्या से तर जाता है, अपने पापों से छुटकारा पा जाता है। जो सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण है, वही नेत्रवान है, और तपस्वी चाहे जिस प्रकार का हो, वह भी नेत्रवान ही समझने योग्य है। इन दोनों को सदा नमस्कार करना चाहिए। जो विद्या के धनी और तपस्वी हैं, वे सब पूज्य हैं, तथा दान देने वाले भी इस लोक में धन और परलोक में सुख पाते हैं। संसार के पुण्यात्मा पुरुष अन्न दान देकर इस लोक में भी सुखी होते हैं, और मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक तथा अन्य शक्तिशाली लोकों को प्राप्त करते हैं।
दानी पुरुष स्वयं पूजित और सम्मानित होते हुए दूसरों का पूजन और सम्मान करते हैं। वे जहां जाते हैं, वहीं सब लोग उनके सामने मस्तक झुकाते हैं। मैत्रेय जी, आप तरुण और व्रतधारी हैं, सदा धर्म पालन में लगे रहिए और गृहस्थों के लिए जो सबसे उत्तम एवं मुख्य कर्तव्य है, उसे ध्यान देकर सुनिए। जिस कुल में पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से सदा संतुष्ट रहती हो, वहां कल्याण होता है। जिस प्रकार पानी से शरीर की मैल धुल जाती है और अग्नि की प्रभा से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार दान और तपस्या से मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाता है। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने आश्रम पर जाता हूँ। मैंने जो कुछ बताया है, उसे याद रखिएगा। इससे आपका कल्याण होगा।